हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद करता हूँ आप सब कुछ सब लोग घर पे सुरक्षित होंगे और घर पर ही रह रहे होंगे, जो भी कोविड की गाइडलाइन से सब फॉलो कर रहे होंगे। तो ये वीडियो मैं बना रहा हूँ, फर्स्ट वीडियो है जिसमें मैं आप सबके सामने आया हूँ। और ये वीडियो बहुत ही स्पेशल है क्योंकि इस वीडियो में मैं आप लोगों को बहुत अपनी तरफ से थैंक यू बोलना चाहूँगा। बहुत 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 धन्यवाद, थैंक यू सो मच माई और बिरादरी नूमी राम राम, जिन्होंने फुल सपोर्ट किया मुझे और जिनकी वजह से आज मेरे 2000 सब्सक्राइबर भी हो चुके हैं। एक सबसे इम्पोर्टेंट बात, अगर आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लेना ताकि मेरी आगे आने वाली वीडियोस को आपको नोटिफिकेशन मिल सके। चलो मैं एक बार आपको दिखा देता हूँ जो इस वीडियो में मैं क्या चीज़ें जो आपको दिखाने वाला हूँ। पहले तो आप ये देखिए ये बना कैसे है, लुकिंग फिनिशिंग। इसके बाद अपन बात करेंगे कि इसको मैंने बनाया कैसे। एक्चुअली मैंने इस पर लिखा हुआ है, सेम वही लिखा है जो यूट्यूब की तरफ से आता है, प्रेजेंटेड टू आर्टिस्ट मोहित कामरा फॉर पासिंग। इसमें देखो सब्सक्राइबर 2000 यूज़ किए मैंने क्योंकि मेरे 2000 कंप्लीट हुए हैं, क्योंकि जो सिल्वर प्ले बटन मिलेगा वो तो काफ़ी लंबा जाना पड़ेगा उसके लिए। सिल्वर प्ले बटन की इंपॉर्टेंस क्या होती है वो तो पता ही होगा आप लोगों को, बट जिनको अभी काफ़ी लंबा जाना है, जैसे मुझे भी काफ़ी अभी बहुत लंबी जर्नी तय करनी है इस ऐसे ओरिजिनल सिल्वर प्ले बटन के लिए, बट मैंने कोशिश की है और अपने आप को सपोर्ट इनक्रेज करने के लिए मैंने ये प्ले बटन बनाया। आगे वीडियो में देखेंगे इसको कैसे बनाते हैं। तो चलिए गाइस, YouTube सिल्वर प्ले बटन को बनाने के लिए हमें क्या क्या चाहिए होगा। हमें चाहिए होगा सनबोर्ड, जो आपको इजीली प्रिंटर्स वालों के यहाँ से या स्टेशनरी वालों से मिल जाएगा। दूसरा हमें चाहिए सिल्वर स्प्रे पेंट, वो भी आपको स्टेशनरी वालों से या पेंट शॉप पे मिल जाएगा। पेपर कटर, ब्लैक मार्कर, सिल्वर फॉइल पेपर, न्यूज़पेपर, ये हमारे रिक्वायर्ड आइटम्स हैं जो हमें सिल्वर प्ले बटन बनाने में काम आएंगे। सबसे पहले हम सनबोर्ड लेंगे, जो हमारा प्ले बटन का बेस रहेगा, उसको हम A4 साइज़ में कट कर लेंगे। A4 साइज़ में हम 4 पीसेस कट करने हैं, 1, 2, 3, 4। वीडियो ध्यान से देखिएगा, फर्स्ट और सेकंड वाले पीस पर हम YouTube का लोगो मार्क करेंगे। तो मैं मार्कर पेन की सहायता से YouTube का लोगो का एक रफ स्केच बना रहा हूँ, आप आराम आराम से भी बना सकते हैं, बाकी मैंने एक आराम से बना के कट किया हुआ है। ये सेकंड वाला पीस है, वो देखिए ये वाला बिल्कुल एकदम साफ ये लोगो बनाया है, और पेपर कटर की मदद से मैं इसको अलग कर लूँगा, फिर ये ऐसा दिखेगा कुछ। ये लोगो कट करने के लिए आप अपने पेरेंट्स या बड़े की हेल्प ले सकते हैं। जो नीचे वाले थर्ड और फोर्थ वाले नंबर का पीस है उसे हम आपस में चिपकाएंगे, और जो फर्स्ट और सेकंड है उन दोनों को आपस में चिपकाएंगे, जिससे हमारा प्ले बटन का जो स्ट्रक्चर है वो थोड़ा मोटा बने। तो आपने देख ही लिया था कि मैं कैसे कैसे प्लेस करके फिर उसके ऊपर स्प्रे पेंट मारूँगा। तो अब मैं अपनी सरफेस पे न्यूज़पेपर बिछा रहा हूँ ताकि नीचे पेंट ना लगे। तो ये फर्स्ट जो लेयर है जो सिल्वर प्ले बटन के ऊपर की होगी, उसके ऊपर मैं स्प्रे पेंट से सिल्वर कलर कर रहा हूँ। बिल्कुल आराम आराम से देखिएगा वीडियो और लास्ट तक देखिएगा, तभी आपको पूरा समझ आएगा कि ये वीडियो प्ले सिल्वर प्ले बटन कैसे बनाया मैंने। अगर आपको थोड़ा स्प्रे पेंट यूज़ करने में थोड़ा दिक्कत हो तो आप अपने बड़ों की हेल्प ले सकते हैं। तो जो हमारे थर्ड नंबर वाली लेयर रहेगी, फर्स्ट सेकंड थर्ड, जिस पे हम सिल्वर पेपर चिपकाएंगे, जो हमारे प्ले बटन के लोगों के पीछे की तरफ हमें दिखाई देगा,
तो मैं थोड़ा सा फेविकोल ले रहा हूँ और उसको पानी और ब्रश से पूरा मिला रहा हूँ। बिल्कुल आराम आराम से ब्रश कर रहा हूँ। फेविकॉल लग गया है, अब यहाँ पे अपन सिल्वर पेपर चिपका देंगे। मैंने ऐसा कोई मटेरियल यूज़ नहीं किया है जो हमें आसानी से ना मिले। बिल्कुल आराम आराम से चिपका देंगे। ज़्यादा जल्दबाजी करने की ज़रूरत नहीं है हमें, नहीं तो फिर ये सिल्वर प्ले बटन काफ़ी पतला होता है, इसमें फटने का चांस रह सकता है और बीच में कहीं बबल भी रह सकता है। ये देखिए सिल्वर कलर का प्ले बटन कलर सूखने के बाद। तो ये सेकंड लेयर है और ये फर्स्ट, ये है जो बिल्कुल आपको साफ दिख रही होगी। सेकंड वाले पे मैंने फेविकॉल लगा दिया है। अब इसके ऊपर हम फर्स्ट वाला प्लेस करेंगे और अच्छे से चिपका देंगे और सूखने देंगे। अगर चैनल पे नए हो तो चैनल सब्सक्राइब कर देना गाइस। अब ये थर्ड और फोर्थ, तो थर्ड नंबर वाला ऊपर आएगा, फोर्थ वाला सबसे नीचे, और इनको भी हम आपस में फेविकॉल की मदद से चिपका देंगे। तो ये सनबोर्ड होता भी बिल्कुल लाइट है तो फेविकॉल से एकदम आसानी से चिपक जाएगा। सनबोर्ड मैंने इसलिए यूज़ किया है क्योंकि इसकी सर्विस काफ़ी प्लेन होती है और सिल्वर प्ले बटन जो हमको दिखाई देता है वो भी बिल्कुल काफ़ी प्लेन होता है। बाकी आप कार्डबोर्ड भी ले सकते हैं, बट कार्डबोर्ड में उतनी फिनिशिंग शो नहीं होगी बिकॉज उसमें जो सरफेस बनी होती है वो कार्डबोर्ड की ऐसी ही शो होंगी हमें। या तो आपको मोटे थिकनेस वाले प्लेन कार्डबोर्ड हों तो आप यूज़ कर सकते हो। बाकी मेरा रिकमेंडेशन यही है कि आप सनबोर्ड यूज़ करें, या आपको इजीली जो प्रिंटिंग का काम करते हैं विनाइल शीट इस पर चिपका के प्रिंट करते हैं तो आप वहाँ से सनबोर्ड ले सकते हो। बाकी स्टेशनरी वालों से भी आप पता कर सकते हो। तो ये थर्ड और फोर्थ नंबर का जो पीस था वो हम आपस में चिपका देंगे। तो ये नीचे वाला बेस ये भी रेडी हो चुका है। अब हम फेविकॉल यूज़ करके जो फर्स्ट और सेकंड को मिला के एक लेयर बनी है, थर्ड और फोर्थ को मिला के जो एक लेयर बनी है उनको आपस में ही चिपका देंगे। फिर उसके बाद एक लास्ट कंप्लीट प्ले बटन आ जाएगा हमारे पास। फेविकॉल को लाइट करने के लिए हम थोड़ा पानी मिला सकते हैं तो सही से प्लेस होगा। बिल्कुल आराम से। बाकी आप ग्लव्स भी पहन सकते हो। मेरे हाथ में भी सिल्वर कलर लग चुका है। बिल्कुल आराम से प्लेस करके थोड़ा सा प्रेस कर देंगे और ये चिपक जाएगा। देखिए थिकनेस भी काफ़ी अच्छी लग रही है अब इसकी। और इसके जो कॉर्नर्स हैं ना, उसके कॉर्नर इक्वल करने के लिए भी मेरे पास ये देखो मास्किंग टेप मैंने लगा दी है चारों तरफ। अब यहाँ से भी बिल्कुल प्लेन। और अभी टेप लगाने के बाद मैं एक बाउंड्री में भी कर दूंगा सिल्वर कलर का, इसके लिए भी मैं पेपर बिछा लेता हूँ।
बिल्कुल आराम से करना है हमें कलर ये कॉर्नर के लिए, बिल्कुल आराम से। बिल्कुल इजी वे बताया है मैंने इसमें, जो आपको सिल्वर प्ले बटन अगर बनाना है, और ये प्ले का आइकन जो हमने कट किया था, सिल्वर कलर किया हुआ है, उसको बिल्कुल सेंटर में लगा देंगे। देखिए बिल्कुल बढ़िया प्लेस हो चुके हैं सब चीज़ें, अच्छा लग रहा है। फाइनल जो मैंने अपना नाम, 2000 सब्सक्राइबर, यूट्यूब का लोगो ट्रांसपेरेंट पन्नी पे, ट्रांसपेरेंट पेपर पे प्रिंट करवा लिया, अब मैं उसको यहाँ पे चिपका दूँगा बिल्कुल आराम से, ताकि कोई बबल ना रह जाए बीच में। ये देखिए गाइस, देखिए कि देखने में कितना अच्छा लग रहा है। गाइस अभी हमारे चैनल पे सब्सक्राइबर कम है, इसीलिए ही हमको खुद बनाना पड़ रहा है, बाकी ऐसे ही हम प्रैक्टिस करते रहेंगे, मेहनत करेंगे। कोशिश यही है कि YouTube की तरफ से भी हमें प्ले बटन मिले। तो अगर अभी आप चाहते हैं कि आपको भी सिल्वर प्ले बटन चाहिए, तो आप यहाँ से देख के और बना सकते हो। तो जो सेंटर में जो लोगों के ऊपर जो पेपर था, वो मैंने कट करके हटा लिया है। ये हमारा प्ले बटन, गाइस कैसा लग रहा है? वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो कैसी लगी आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना चैनल, मेरी बाकी की वीडियोस को भी एंजॉय करें। हेलो।